तो जिन लोगों ने 25,120 वाला गेमिंग फोन चाहिए उनके लिए मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था दो फोन के बारे में, एक था इन्फिनिक्स G20 Pro और दूसरा फोन था आईक्यू का Z9 Turbo, ठीक है। लेकिन वो दोनों फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी आप लोगों को ऐसा कोई फ़ोन अगर मिल जाए अंडर 25,000 जिसके अंदर आप लोगों को फ्यूचर में 120 FPS देखने को मिलेगा और आपको वेट भी ना करना पड़े और प्राइस भी अंडर 25,000 हो, तो यहाँ पर एक ही फ़ोन निकाल के आता है जिसके अंदर ये सब फीचर्स देखने को मिल सकता है। तो मिलेगी फिर नहीं वही बताऊँगा। फ़ोन कौन सा है गाइस? फोन है गाइस Poco X6 Pro। तो ये फ़ोन के अंदर मीडियाटेक Dimensity 8300 अल्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, आप ऐसे सोच रहे हो कि हम लोग वो दोनों फ़ोन के लिए वेट करें या फिर Poco X6 Pro को परचेस कर ले, क्योंकि हो सकता है बाद में ऑफर देखने को ना मिले और ये दोनों फ़ोन के साथ Poco X6 Pro कितना ज़्यादा कम्पीट कर पाता है उसके बारे में बात करने वाले। लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए कितना सही होगा ओवरऑल गाइज, अगर आप एक फ़ोन परचेस करना चाहते हो भाई, आपको सब कुछ चाहिए, कैमरा वगैरह सबके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले, ठीक है। तो 25,000 के अंदर Poco X6 Pro को लेना चाहिए फिर नहीं, उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको डिसाइड कर पाओगे उसके बाद। और कोई वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर कर देखना नहीं पड़ेगा। चलो गाइज यार, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन कॉन्टेंट हम लोग अपलोड करते रहते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेशल फीचर्स फोन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हाइलाइट्स फीचर्स है जिसके लिए लोग फोन को परचेस करना चाहते हैं और ये फीचर्स क्या है उन्हीं दोनों फोन को, जो दोनों फोन के बारे में पिछले मैंने पहले बताया था, वो दोनों फोन से ज़्यादा बेटर ही फिर नहीं, तो वो ही बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें भाई डिस्प्ले का, 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले Poco X6 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें भाई इस फोन के अंदर हम लोग सैम्पलिंग रेट 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो भाई, यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट आपको इतना फास्ट देखने को मिलेगा कि इस प्राइस का देखो 30,000 के अंदर कोई फ़ोन के अंदर आप लोग को नहीं मिलेगा। टच को लेकर कोई इश्यूज वगैरह आपको नहीं आने वाला है और बहुत फास्ट रिस्पांस होगा। तो ये बार 2000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट जहाँ पर देखने को मिल रहा है 2100 हर्ट्ज का। तो अगर दूसरे पिछले वाले दोनों फ़ोन से अगर हम लोग कंपेयर करें जो कि लॉन्च होने वाला है, वो दोनों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। तो यहाँ पर भाई डिस्प्ले या फिर टच सैम्पलिंग रेट दोनों में भाई वो दोनों फ़ोन से कहीं पीछे नहीं है, काफ़ी अच्छा है और ये पर ज़्यादा अच्छा आप लोग बोल सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम लोग भाई देखिए प्रोसेसर, तो ये फ़ोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें इस कंट्रीब्यूटर स्कोर का, 15 लाख के करीब हम लोग कंट्रीब्यूटर स्कोर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों फ़ोन के साथ, जो एक आईक्यू का Z9 Turbo देखने को मिल रहा था, उस फोन के अंदर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जिसके अंदर 16 लाख जैसा एंटीट्यूड स्कोर, 15-16 लाख एंटीट्यूड स्कोर देखने को मिलेगा। और जो दूसरा फ़ोन था उसके अंदर भाई 10 लाख जैसा एंटीट्यूड स्कोर देखने को मिलेगा जिसके अंदर डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर लगा है। तो अगर दोनों से कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है इन्फिनिक्स G20 Pro इससे काफ़ी ऊपर है प्रोसेसर का स्कोर या फिर पावर। और अगर नेक्स्ट फ़ोन से देखें उससे थोड़ा कम है भाई, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ आप लोग को ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, कैपेबल है फ़ोन को 120 FPS में रन करने का। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को 90 FPS देखने को मिल सकता है, लेकिन भाई 120 FPS जब आएगा ये फ़ोन के अंदर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन के अंदर भी इंटेलिजेंट या फिर आप लोग बोल सकते हो कोई भी गेमिंग चिप फ़ोन के अंदर लगा है, जिसके वजह से ये पर 120 FPS आप लोग को ज़रूर से ज़रूर ये फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग 120 FPS के लिए फ़ोन को परचेस करना चाहते हो तो आप लोग Poco X6 Pro को भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें भाई कैमरा का, तो इन्फिनिक्स से भाई Poco कैमरा ज़्यादा बेटर होगा ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर आईक्यू के फ़ोन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो आईक्यू कैमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है Poco से। तो कैमरा के लिए अगर जाना है भाई तो आपको आईक्यू के लिए वेट करना पड़ेगा, नहीं तो Poco के अंदर भी आप लोग वैस कैमरा देखने को मिलेगा लेकिन नाइट लाइट में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। इवन आईक्यू जैसा उतना ज़्यादा बेटर कैमरा आप लोगों को शायद ही Poco के अंदर देखने को मिलेगा। तो आईक्यू का फोन पहले लॉन्च होने दो Z9 Turbo, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका कैमरा। लेकिन जितना भी हमने फ़ोन देखा है भाई आईक्यू का कैमरा ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वीवो का सब ब्रांड है और वीवो कैमरा के लिए फेमस है, लेकिन ये सब ब्रांड को यूज़ कर रहे लोग कंपनी गेमिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कैमरा भी अपर वीवो की तरह ही पावरफुल दे रहा है, ठीक है। काफ़ी बार तो भाई वीवो से ज़्यादा बेटर भी दे देते हैं। आईको 9S के अंदर जो कैमरा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, V27, V25 को भी लगभग BT कर दे रहा था। तो इसके लिए भाई आप कैमरा के लिए आप लोग अगर जाना है स्पेसिफिक गेमिंग और कैमरा के लिए तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है Z9 Turbo के लिए।
नेक्स्ट अगर देखें हम लोग बैटरी और चार्जिंग का, भाई यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, तो इन्फिनिक्स के अंदर भी सेम ही देखने को मिलेगा। और अगर बोले भाई 6000 mAh का देखने को मिल रहा है आईकॉस Z9 Pro के अंदर, ठीक है, लेकिन पोको के अंदर 5000 mAh का, वो भी ख़राब नहीं है भाई, यहाँ पर 5-6000 उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर बैटरी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, उसके अंदर 80W का चार्जर मिलेगी, इसके अंदर 67W का चार्जर मिलेगा। दोनों ही फ़ोन लगभग सेम ही टाइम पर चार्ज होगा क्योंकि उसके अंदर 1000 mAh का बैटरी ज़्यादा है, ठीक है। तो 45-40 मिनट के अंदर फ़ोन, दोनों ही फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लेकर दिक्कत नहीं। तो अगर देखे भाई दोनों फ़ोन के साथ पूरा डिटेल्स कंपेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पर दोनों फ़ोन के अंदर कौन सा फ़ोन के साथ ये फ़ोन टक्कर दे पाते वो अगर हम लोग देखें भाई, कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप लोग पोको X6 Pro को परचेस करने का सोच रहे हो, तो मैं पहले बात बता दूँ भाई, यहाँ पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो, मैं बता नहीं सकता, पोको के बाद 1 साल का वारंटी मिल रहा है और एक सीरीज़ के साथ भाई प्रॉब्लम पहले से ही हो रहा था, लेकिन ये फ़ोन के अंदर अभी तक उतना प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन मैं यहाँ पर गारंटी, आप लोग अगर बोलोगे एलेक्स भाई तुम बताओ लॉन्ग टर्म तक चलेगी फिर नहीं, वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग गारंटी के साथ नहीं बता सकता। पोको के बारे में क्या भाई, कोई भी फ़ोन के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, बहुत सारे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन जो ट्रस्ट इशू है भाई वो पोको के मतलब ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है मेरे को, ठीक है। तो हो सकता है आपको ट्रस्ट हो, लेकिन ये फ़ोन अभी तक फिलहाल के लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखें भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर लॉन्ग टर्म में कैसा वर्क करेगा वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मीडियाटेक Dimensity 2200 जो कि आइकोनियो 7 प्रो के अंदर था, आइकोनियो 7 के अंदर था, वो काफ़ी अच्छे वर्क कर रहा है अभी भी। तो 1-1.5-2 साल तक तो गेम या फिर फ़ोन काफ़ी अच्छे चल जाएगी, उसके बाद भाई एंड्रॉयड स्लो होता है, तो 2 साल बाद भाई आप क्या करोगे उसका पता नहीं, फ़ोन को यूज़ करोगे फिर नहीं, तब आप लोग एक्सचेंज भी कर सकते हो। लेकिन पोको का एक बार रिसेल वैल्यू भी कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई अगर पोको का ब्रांड है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा कम है। और अगर पोको का फ़ोन को आप लोग परचेस करना चाहते हो, एक चीज़ ध्यान में रखना भाई, फ़ोन को आप लोग बिल्कुल भी अपडेट मत करना, अपडेट करना पहले भाई, अपडेट करने के बाद एक महीना आप लोग देखना हर एक अपडेट के बाद कि लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है फिर नहीं। अगर 2-3 बंदे के साथ प्रॉब्लम आया या फिर भाई तुमने देखा कि कोई एक बंदे के साथ प्रॉब्लम आ गया, ग्रीन लाइन इशू या फिर भाई मदरबोर्ड, अगर आपने देखा हो कोई भी बंदे को हीटिंग इशू फेस करने को पड़ रहा है, तो इसके लिए भाई आप लोग थोड़ा वेट करना, उसके बाद जाकर 1-2 महीने बाद देखना, उसके बाद आप लोग अपडेट करना अगर अपडेट उतना सही हो तो। और अगर गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है, 120 FPS आ चुका है, उसके बाद आप लोग बिल्कुल भी अपडेट मत करना भाई, जो भी अच्छा हो फिर बुरा हो अपडेट मत करना पोको को फ़ोन को, खास पोको का फ़ोन तो खास कर नहीं करना अपडेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसको अगर साइड में रखते हो तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा है, ख़राब नहीं है, लेकिन ये जो ट्रस्ट इशू वगैरह था उसके बारे में डिटेल्स में बात किया। तो इसमें प्रॉब्लम अगर आप लोग को फेस नहीं करना है तो आप लोग को थोड़ी दिन वेट करना पड़ेगा Z9 टर्बो के लिए, जो कि under 25,000 आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग कॉमेंट करो भाई आपको वेट करना है या फिर पोको X6 Pro को ही परचेस करना है, ठीक है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोग डिसाइड कर पाओगे क्या करना है आप लोगों को, तो अभी आप लोग कमेंट कर सकते हो कोई भी चीज़ अगर पूछना है तो चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा कंटेंट के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर करना। लव यू ऑल गाइस, मिलती से भी ज़्यादा कोई बढ़िया सा कॉन्टेंट के साथ, बाय।